बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मनान है और मैं आज आपके साथ तीन ऐसे इम्पॉर्टेंट लेसन शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने अपनी आइल्स की तैयारी के दौरान समझे। मैंने पिछले साल आइल्स का इम्तिहान दिया था जिसमें मेरा 8.5 बैंड आया था, और मैं आपके साथ तीन लेसन शेयर करूँगा जो मैंने अपनी टेस्ट देने के बाद समझे। लेसन नंबर वन, आप ये बात समझ लें कि आयल्स बाकी तमाम टेस्ट की तरह, जो कि जैसे GRE हो गया, जैसे TOEFL हो गया, 50% इम्तिहान है आपकी इंफॉर्मेशन का, आपके नॉलेज का, और 50% आपके टेस्ट देने की एबिलिटी का इम्तिहान है। इससे मेरी क्या मुराद है? इससे मेरी मुराद ये है कि आपने चाहे जितनी मर्जी इंफॉर्मेशन, आपने जितना मर्जी नॉलेज हासिल किया हो उस सब्जेक्ट के मुताबिक, आपको चाहे तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स पता हो, लेकिन अगर आपने टेस्ट देने की तैयारी नहीं की, अगर आपको टेस्ट की मेथडोलॉजी का नहीं पता, अगर आपको ये नहीं पता कि ईच टेस्ट में मैंने टाइम मैनेजमेंट किस तरह करनी है, मैंने प्रेशर को हैंडल किस तरह करना है, तो आप मार्क्स लूज कर जाएंगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे स्टूडेंट्स जो है वो उनको बहुत देर बाद समझ आती है ये बात। लेसन नंबर वन ये है कि IELTS 50% आपके टेस्ट नॉलेज का इम्तिहान है और 50% आपके टेस्ट देने की एबिलिटी का इम्तिहान है, ठीक है। Which brings us to lesson number two, कि हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जब IELTS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको equal time लगाना चाहिए test देने में। आपको एक तरफ अगर आप words याद कर रहे हैं, या आप अपनी listening की तैयारी कर रहे हैं, या words समझने की कोशिश कर रहे हैं, या words के meaning याद कर रहे हैं, आपको इससे ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए मॉकअप टेस्ट देने में। इंटरनेट पर कई ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जो बग़ैर रजिस्ट्रेशन के आपको टेस्ट देंगी, जिसमें साथ आपका टाइम की बात चल रही होगी और आप टेस्ट जो है वो दे सकते हैं। मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप एटलीस्ट दो दिनों में एक दफ़ा कंप्लीट IELTS का टेस्ट दें, जिसमें लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग का आप किसी अपने दोस्त के साथ जो है वो सेटिंग कर सकते हैं कि आप एक दूसरे के साथ जो है वो डायलॉग करेंगे। लेकिन ये चारों मॉड्यूल दो दिनों में एक दफ़ा आपको ज़रूर ज़रूर करने चाहिए। ये हो गया हमारा लेसन नंबर टू। लेसन नंबर थ्री क्या है? लेसन नंबर थ्री ये है कि कभी भी अपने आप को ओवर एस्टिमेट ना करें, और मैं अपनी एग्जाम्पल आपके सामने दूंगा। मैं बचपन से ही इंग्लिश मुझे पढ़ने का शौक है, इंग्लिश मुझे लिखने का शौक है, मैं बचपन से ही इंग्लिश मुझे सुनने का शौक है, लेकिन इसके बावजूद जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने रीडिंग पे, लिसनिंग पे, स्पीकिंग पे तवज्जो दी थी, लेकिन मैंने राइटिंग पे उतनी तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से मेरा लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग में 8.5, 9 और 9 बैंड था, जबकि मेरा राइटिंग में 7.5 बैंड आया था। लेसन नंबर थ्री ये है कि आप कभी भी अपने आप को ओवर एस्टिमेट ना करें, हमेशा तैयारी इस तरह करें जिस तरह आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मेरी कोशिश है कि मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊं जिसमें स्टूडेंट्स के जो जेन्युइन मसले हैं, उनकी जो जेन्युइन क्वेरीज हैं, उनका जो है वो आंसर करूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने किसी दोस्त के साथ, अपने किसी क्लास फेलो के साथ जो कि टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनको ज़रूर दिखाइए, उनको बताइए अगर उनको हेल्प मिलती है इससे। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।